पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है तो हमें बताइए, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे। हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा आवश्यकता होने पर इस माह का प्रयोग किया जाएगा। शाहजहांपुर में भी एडीएम ने विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने की जानकारी दी। उधर ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों ने विगत दिनों वायरल ऑडियो में ब्राह्मणों को अपशब्द कहने का विरोध कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मियों के द्वारा निजीकरण के विरोध में की जा रही हड़ताल के संदर्भ में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि हड़ताली कर्मचारियों को समझाने के लिए कई बार प्रयास किया गया, लेकिन कुछ कर्मचारी नेताओं की हठधर्मिता के कारण प्रदेश में हड़ताल हो गई। सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जरूरी हुआ तो इस माह के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। उधर शाहजहांपुर के एडीएम एफआर त्रिभुवन ने एक प्रेस वार्ता कर विद्युत आपूर्ति निर्बाध गति से जारी रखने का जनता को आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि जनपद के 5 जोन से विद्युत आपूर्ति की जाती है, जिसके लिए 751 विद्युत संविदा कर्मी आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए लगे हुए हैं। जनपद में 43 विद्युत केंद्र हैं, जिनमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है, तथा नगर में सिटी मजिस्ट्रेट व अपने अपने क्षेत्रों में एसडीएम निगरानी रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर आईटीआई व पॉलिटेक्निक के छात्रों तथा विभिन्न योजनाओं में लगे कार्यदायी संस्थाओं से मानव संसाधन में सहयोग लिया जाएगा। यदि किसी प्रकार से हड़ताली कर्मचारियों के द्वारा विद्युत व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास किया गया तो इस माह के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिसेंटली न्यूज के लिए वर्तिका सक्सेना की रिपोर्ट। कर्मचारियों हम लोगों के बीच उनके संगठनों के साथ बातचीत चल रही थी। जो संघर्ष समिति है उसके साथ पिछले 3 दिन में मेरी 3 बार मीटिंग हुई, लेकिन कुछ बहुत बात बन नहीं पाई। हमने उनको समझाया, प्रार्थना किया, गुजारिश किया, निवेदन किया, एक बार नहीं अनेकों बार किया कि ये गर्मी का सीजन है, मार्च का महीना है, जल्दी गर्मी शुरू हो गई है, जनता की बिजली की मांग बढ़ रही है, उनकी सुविधा के लिए विद्युत आपूर्ति बहुत आवश्यक है। दूसरा हमने ये भी कहा कि ये महीना मार्च का जो महीना होता है, वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है, इस समय जो हमारा राजस्व संग्रह होता है उससे हम पूरे वर्ष अपने विकास के कार्य करते हैं, लाइन बनाने का, पोल खंभे लगाने का, और उसी पैसे से कर्मचारियों की पगार हो, बोनस हो या अन्य सुविधाएं भी हम दे पाते हैं। तो ऐसे समय में राजस्व संग्रह वाले महीने में कार्य को बाधित करना ठीक नहीं है। तीसरी बात हमने ये भी कही कि वर्षों से हम ये बात सुन रहे हैं कि राज्य में बिजली के तार जर्जर हो गए हैं, खंभे खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। इन सब को ठीक करने के लिए हमारी RDSS नाम की, रिवेम डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम नाम की, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसका पहला चरण लगभग 17,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ हम लोगों ने अमल में डाल दिया है। धरातल पे योजना अब अमल होने की स्थिति में आ गई है, कई जगह उसके काम शुरू भी हो गए हैं। इस वर्ष जो वर्ष बीत रहा है वित्तीय वर्ष, उस वर्ष में 5,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी है। उस दृष्टि से भी मार्च के महीने में उस कार्य को पूरा करना और उस पैसे को खर्च करना, जिस सदुपयोग करना, इससे जनता को भविष्य में आने वाली बिजली की समस्याओं से निजात मिल सके। इन सारे कारणों के मद्देनजर मैंने कहा कि ये समय उचित नहीं है आंदोलन का। हम बातचीत के लिए हमेशा प्रस्तुत हैं, जब आप कहो तब हम बैठने को तैयार हैं।
बैठे भी, लगातार बैठे, कई कई घंटे बैठे, लेकिन फिर भी कुछ हठधर्मी लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अभी की स्थिति में जैसा मेरी जानकारी है कि उन्होंने आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जनपद शाहजहांपुर में बिजली व्यवस्था को अबाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए जो भ्रांति थी कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं, और उस भ्रांति की यात्रा के संबंध में ये प्रेस वार्ता की जा रही है, इसमें अवगत कराना है कि कुल जनपद में 5 जोनों में हमारा विद्युत क्षेत्र है, जिसमें 751 संविदा कर्मी लगे हुए हैं जो हड़ताल पर भी नहीं है। इसके करीब 335/11 के हमारे यहाँ 43 विद्युत केंद्र हैं, जहाँ पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है और साथ में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। जैसा कि बिजली विभाग ने स्पष्ट तौर से अवगत कराया है कि किसी प्रकार की भी बिजली कोई समस्या नहीं है, और वहीं पर छोटी मोटी शटडाउन की समस्या अगर आ रही है तो उसका निराकरण कर ले रहे हैं। इस प्रकार जनपद शाहजहांपुर में बिजली की किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना कोई हड़ताल का किसी प्रकार को। यही इसी बातों को स्पष्ट करने के लिए कि उसका प्रभाव हमारे यहाँ हमारे जनपद में किसी प्रकार का नहीं है, क्योंकि सभी को लाइट मिल रही है, सारे कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, हमारे बच्चे लगे हुए हैं, और इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर किसी तरीके कोई फेलियर आता है आपूर्ति को लेकर, उससे निपटने के लिए किस तरीके की व्यवस्था है? उसके लिए हम लोगों ने तो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी है, साथ में बिजली विभाग के भी हमारे अधिकारी इसी साथ एक्टिव, और सभी लोग मौके पर जाकर सभी केंद्रों पर निगाह है हमारी, और सारी जो हमारे केंद्र हैं सब वर्क भी कर रहे हैं, और उसकी पूरी तैयारी भी लोगों ने कर रही है। जो हाँ, हमारा बिजली विभाग उनसे वार्ता तो शुरू से कर रहा है, भाई कुछ काफ़ी कम लोग हैं क्योंकि अब इनके सारे संविदा कर्मी काम कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं, और बाकी सरकार का जिलाधिकारी भी स्पष्ट नहीं है कि बिजली किसी प्रकार की आपूर्ति बाधित कोई करता है तो उसके विरुद्ध एस्मा और अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करने से हम लोग कोई कमी नहीं करते। ब्राह्मण समाज के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले पत्रकार के विरुद्ध ब्राह्मण समाज के सैकड़ों आक्रोशित लोगों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर नगर मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, जनपद में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि किसी भी ब्राह्मण पत्रकार को स्थापित नहीं होने देगा। इतना ही नहीं, वो यह भी कह रहा है कि एसपी उसे 5,000 रुपये महीना दिलवाते हैं। ऐसा कहकर उसने पुलिस अधीक्षक पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आखिर पुलिस अधीक्षक उसे क्यों 5,000 रुपये महीना दिलवाते हैं? आज तक पुलिस अधीक्षक ने ना तो इसका खंडन किया और ना ही तमाम प्रयासों के बाद भी कथित पत्रकार के विरुद्ध FIR दर्ज की गई। लगातार ब्राह्मण समाज के द्वारा FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की जा रही है, किंतु अब तक कोई कार्रवाई न किए जाने से आहत कई ब्राह्मण संगठनों ने एक साथ प्रदर्शन कर अभियोग पंजीकृत करने की मांग की है। ब्राह्मण संगठनों ने कहा है कि यदि आरोपित के खिलाफ FIR दर्ज न हुई तो ब्राह्मण समाज आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रदर्शन में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक, सुबोध मिश्र, अमित वाजपेयी, जितेंद्र नाथ तिवारी, गोपाल अग्नोत्री, डॉक्टर सोमशेखर दीक्षित, ब्राह्मण चेतना परिषद के विश्वदीप अवस्थी, असित पाठक, कीर्ति पांडे, अंजलि शर्मा सहित जनपद के विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के सैकड़ों ब्राह्मण उपस्थित रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। होली के कई दिन पहले से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें ब्राह्मण समाज को बहुत ही अपमानजनक गालियां दी जा रही थी। उस वीडियो के विषय में ब्राह्मण समाज के बहुत सारे लोगों से लंबे समय से वार्ता चल रही थी और लोगों के अंदर बहुत ही आंदोलन था, मन में लोग बहुत ही आक्रोशित थे।
प्रशासन को कई जगहों पर इस विषय में जो है प्रार्थना पत्र दिया गया है कि इस बारे में FIR लिखकर कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन ने कोई उचित संज्ञान नहीं लिया। इसी क्रम में ब्राह्मण महासभा द्वारा आज ये प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, जिसमें हम सब लोग ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण समाज और अन्य सारे संगठन, समस्त ब्राह्मण समाज एक होकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के साथ ब्राह्मण समाज संगठन और सारे ब्राह्मण इस मामले में हम सब एक मत हैं। और हमारी ये मांग है उस वीडियो की आवाज की जांच कर उस व्यक्ति को चिन्हित कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लग सके जो समाज में जातीय द्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि 7 तारीख की घटना होली के करीब की है, जिसमें एक आइडियो वायरल हुआ था और उसमें ब्राह्मण समाज के लिए बहुत अपशब्द बोले गए थे, प्रशासनिक अधिकारियों के भी खिलाफ अपशब्द बोले गए थे। हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे वरिष्ठ डॉक्टर विजय पाठक जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने उस मैटर को सुलझाने का प्रयास किया और उसके संदर्भ में वार्ता की, लेकिन वार्ता का कोई भी परिणाम नहीं निकला। उसके बाद अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने यह संकल्प लेकर और यह आह्वान किया कि हम आज की तारीख में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग रखेंगे कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आखिर ब्राह्मण समाज कब तक इस तरीके के अपमान को बर्दाश्त करेगा? अगर ये आज हमारी मांग यहाँ पर पूरी नहीं होती तो अगला कदम जो हमारा होगा वो इससे बड़ा आंदोलन होगा। और हम इस बात के लिए आदरणीय हमारे प्रदेश के जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने वाले सबके चहेते मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनके संज्ञान में भी एक शिष्टमंडल जाके और ये बात रखेंगे, हम इस मैटर पे कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है सिवाय FIR। बैठे हैं, क्या मजबूरी है, क्यों बैठना पड़ रहा है? क्योंकि ब्राह्मण समाज का अपमान खुलेआम हो रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो कि अपमान भी बिना किसी कारण के, बिना किसी घटना के, और उसका प्रचार भी खूब किया गया, पूरी तरह से समाज में ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है। अभी तक प्रशासन ने या सरकार ने कोई इस पर कार्रवाई नहीं की है, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ रहा है मजबूरी में। आज धरना प्रदर्शन है और आगे भी जो जरूरत होगी वो सब करेंगे जब तक इस पे न्यायोचित कार्रवाई नहीं होती। अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश में भी पहुंचेंगे, हर जगह तक पहुंचेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे।